हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन टिप्स। आई एम मीता बिश्नोई। आज हम लोग बहुत ही ब्यूटीफुल एक पेरिनियल प्लांट जिसको एलिफेंट ईयर कहते हैं, एलोकेशिया फैमिली का है। और ये देखिए कितनी बड़ी इसकी लीफ होती है और सरप्राइजिंगली बहुत ही बड़ी होती है। मतलब कई बार तो इतनी बड़ी हो जाती है यू कांट इवन इमेजिन। मेरे घर में थी यही वाला प्लांट जो ज़मीन पे लगा हुआ था, ये तो मैंने गमले में लगा दिया है। 50 सेंटीमीटर्स बड़ा होगा उसका ये लीफ। एलिफेंट ईयर, नाम ही एलिफेंट ईयर है क्योंकि इसकी शेप भी एलिफेंट ईयर जैसी है और साइज भी बहुत बड़ा हो जाता है। ये ऑर्नामेंटल लीफ की वजह से ही इसको घर में रखा जाता है और इसको मेंटेन करना, इसका केयर करना, इसको घर के इंडोर भी रख सकते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और बहुत इजी टू केयर फॉर है। और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सब जगह मिल जाएगा। अरबी भी इसी के टाइप की होती है जो हम लोग सब्जी बनाते हैं, एडिबल होती है। सब एडिबल नहीं होते, इनकी लीफ भी कई जगह यूज होती है। ये देखिए, ये इसके नीचे ये एक ट्यूबर राइजोम टाइप का होता है जिसकी वजह से ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टर्डी प्लांट होता है। ये मैंने पीछे से बैकयार्ड से निकाल के लाई हूँ ये प्लांट। ये देखिए ये प्लांट है और इसके ये दिखाने के लिए लाई हूँ। तो ये इजी टू केयर इसलिए है क्योंकि इसमें जो ये जो ट्यूबर या राइजोम होते हैं ये कुछ फूड स्टोर करते हैं। अभी तो छोटा है, जब प्लांट बड़ा हो जाता है तो ये बड़े होते जाते हैं। प्रोपोगेशन भी इससे हो जाता है, प्रोपोगेशन इस प्लांट का। तो ये भी ट्यूबर्स भी बड़े होते जाते हैं और ये थोड़ा फूड और वाटर दोनों स्टोर करते हैं। तो जब थोड़ा पानी नहीं मिलता जब प्लांट को या फूड की कमी होती है तो यहाँ से मिल जाता है इनको फूड, इसलिए ये इजी टू केयर है। और ये देखिए, ये तीन तीन गमले में प्लांट निकल आए हैं। तो हम लोग इसकी केयर की बात करते हैं। इसकी केयर बहुत सिंपल है और पूरी आगे तक रहिएगा मेरे वीडियो में। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरा वीडियो लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और ये एलोकेसिया फैमिली के और भी मेरे पास पौधे हैं जो मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, एक ये है, एक ये है, इसको चाइनीज तारो कहते हैं और इसको इसका नाम है एलोकेशिया एमेजोनिका और एलोकेशिया पॉली और ये चाइनीज टारो। और ये सब एक ही टाइप के हैं, प्रोपोगेशन भी सिमिलर है, इनका रख रखाव केयर सब कुछ सिमिलर है। और इसमें देखते हैं सबसे पहले लाइट, लाइट इसको ब्राइट लाइट चाहिए तो इसको थोड़ा ओपन सन में रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा अंधेरी वाली जगह में रखेंगे तो इतना अच्छा ग्रो नहीं करेगा। अब ह्यूमिडिटी एंड वाटर, इसको ये ह्यूमिडिटी लाइक करता है ये प्लांट, तो जब प्लांट में वाटर करें तो इसको स्प्रे कर सकते हैं वाटर से। और इसके पानी के लिए इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद है तो जब पानी डालें तो यहाँ से पानी डालें और ड्रेन होल से पानी निकल जाए। और नेक्स्ट वाटरिंग तभी करें जब ये टॉप सॉइल ड्राई हो जाए, ये इसका वाटर का रिक्वायरमेंट है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका टेम्परेचर क्या चाहिए। इसको वार्म टेम्परेचर्स पसंद है, तो अगर जैसे हम लोग के इंडिया में वेदर है, फेब से देखकर नवंबर, अक्टूबर नवंबर तक खूब अच्छी लीव्स आती हैं, खूब प्रोपोगेट करता है और बहुत इट डज रियली वेल। और उसके बाद में विंटर्स में कई बार ये डोमेंसी में भी चला जाता है अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, फ्रीजिंग कोल्ड, तो इसको थोड़ा आप इंडोर प्रोटेक्टेड एरिया में रख सकते हैं। फ्लावरिंग के लिए इतना ज़्यादा ये यूज़ नहीं रखते नहीं हम लोग घर, हाउस प्लांट ये हम लोग लीव्स के लिए रखते हैं। तो इसकी नेक्स्ट देखते हैं इसमें डिजीजेस क्या होती हैं। इसमें डिजीजेस खाली ये होती है कि इसका रूट रॉट हो जाता है, बहुत देर तक पानी में खड़ा रहे तो यहाँ पर रूट रॉट हो जाता है। तो उसके लिए अवॉइड करने के लिए आप वेल ड्रेन सॉइल लीजिए ताकि पानी डालें तो खड़ा ना रहे पानी में, नीचे से निकल जाए। और स्पाइडर माइट्स या कुछ होता है तो आप लीफ के नीचे चेक करते रहिए कि कुछ हो रहा है, तो आप फिजिकली उसको रिमूव कर सकते हैं वाटर में थोड़ा सा
लिक्विड सोप और थोड़ा सा नीम ऑयल एक दो ड्रॉप डाल के वॉश आउट हो जाता है। और प्रोपोगेशन इसका बाय डिवीजन है। जैसे ये है, तीन प्लांट हो गए, ये डिवाइड हो जाएगा, तीन अलग गमलों में बन सकता है। और बहुत क्यूट प्लांट, बहुत ही स्वीट प्लांट लगता है और बहुत स्टर्डी स्ट्रांग है, इसीलिए स्पेशली बालकनी एंड टेरेसेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि केयर भी बहुत कम चाहिए। इनफैक्ट आप कहीं चले जाते हैं, दो चार दिन के लिए पानी नहीं भी मिलता, तब भी ये सर्वाइव कर जाता है। और अगर डाई डाउन कर भी जाता है तो इसके नीचे ट्यूबर्स है, उससे अगेन आप पानी डालना शुरू करेंगे तो ये अपने आप लीव्स आनी शुरू हो जाएंगी। इट इज़ दैट ईजी टू केयर। तो आई होप आपको ये वीडियो एलोकेशिया का अच्छा लगा, एलिफेंट ईयर। अगर अच्छा लगा तो आप मेरा वीडियो लाइक करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू।